नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर। स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनिंग मैथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए A to Z लेटर आपको याद रखना होगा कि कौन सी लेटर कितने नंबर में आता है। यदि TEEN को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो ENTER के लिए कोड क्या होगा। देखिए, आपको याद होगा T कितने नंबर में आता है, T आता है 20 नंबर में। E कितने नंबर में आता है, E आता है 5 नंबर में। डबल E है तो यहाँ डबल 5 लिखेंगे। उसके बाद N कितने नंबर में आता है, N आता है 14 नंबर में। TEEN का कोड क्या होगा, 20, 55, 14। देखिए 20, 55, 14 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से E कितने नंबर में आता है, E आता है 5 नंबर में। N कितने नंबर में आता है, N आता है 14 नंबर में। T कितने नंबर में आता है, T आता है आपका 20 नंबर में। और E कितने नंबर में आता है, E आता है आपका 5 नंबर में। R कितने नंबर में आता है, R आता है आपका 18 नंबर में। तो ENTER का कोड क्या हो गया, 5, 14, 20, 518। 5, 14, 20, 518 देखिए कौन सी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कूट भाषा में KITE को 10, 81, 94 लिखा जाता है तो TEAR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, आपको पता होगा K कितने नंबर में आता है, K आता है 11 नंबर में। I कितने नंबर में आता है, I आता है 9 नंबर में। और T कितने नंबर में आता है, T आता है 20 नंबर में। और E कितने नंबर में आता है, E आता है 5 नंबर में। तो KITE का कोड क्या हो गया, 11, 9, 20, 5। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10, 8, 194 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, देखिए K का कोड 11 है तो उसमें से एक माइनस कर दिया तो आपका हो गया 10। और I का कोड 9 है तो उसमें एक माइनस कर दिया तो आपका हो गया 8। और T का कोड 20 है तो उसमें एक माइनस कर दिया तो आपका हो गया 19। और E का कोड 5 है तो उसमें एक माइनस कर दिया तो आपका हो गया 4, यानी कि 10, 81, 94। देखिए इसका कोड क्या हो गया, 10, 81, 94। उसी प्रकार से T कितने नंबर में आता है, आपको पता होगा T आता है 20 नंबर में। और E आता है 5 नंबर में। और A आता है 1 नंबर में। और R आता है आपका 18 नंबर में। अब सभी संख्या से एक एक माइनस कर दीजिए, 20 में एक माइनस कीजिएगा तो आपका 19, और 5 में एक कीजिएगा तो आपका 4, और 1 में एक कीजिएगा तो आपका 0, और 18 में एक माइनस कीजिएगा तो आपका 17। तो TEAR का कोड क्या हो गया, 194017। देखिए कौन सी ऑप्शन में है, 194017 देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कोड में MEAK को 13, 51, 11 लिखा जाता है, उसी कोड में OAK को कैसा लिखा जाएगा। देखिए, आपको याद होगा M आता है 13 नंबर में, E आता है 5 नंबर में, और A आता है आपका 1 नंबर में, और K आता है आपका 11 नंबर में। तो MEAK का कोड क्या हो गया, 13, 51, 11। देखिए 13, 51, 11 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से O कितने नंबर में आता है, O आता है 15 नंबर में। A आता आपका 1 नंबर में, और K आता आपका 11 नंबर में। तो 15, 111 देखिए कौन सी ऑप्शन में है, 15, 111 देखिए यहाँ डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में LET को 12,520 के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में WIN को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा L कितने नंबर में आता है, L आता आपका 12 नंबर में, E आता आपका 5 नंबर में, और T आता आपका 20 नंबर में। तो इसका कोड क्या हो गया, 12,520। देखिए 12,520 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से W कितने नंबर में आता है, W आता है 23 नंबर में, I आता है आपका 9 नंबर में, और N आता है आपका 14 नंबर में। तो WIN का कोड क्या हो गया, 23,914। देखिए 23,914 कौन सी ऑप्शन में है, देखिए यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, FOUR को 6518 लिखा जाता है तो WIND के लिए कोड क्या है। देखिए, आपको याद होगा F कितने नंबर में आता है, F आता 6 नंबर में। O कितने नंबर में आता है, O आता 15 नंबर में। और U कितने नंबर में आता है, U आता 21 नंबर में। और R कितने नंबर में आता है, R आता 18 नंबर में। तो FOUR का कोड क्या हो गया, 6, 15, 21, 18। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 6518। तो अब देखिए, जो आपका सिंगल संख्या है उसको सिंगल लिख दिया, और जो डबल संख्या उसका क्या कर दिया, सिर्फ लास्ट वाला संख्या ले लिया। तो 15 डबल है तो इसमें 5 सिर्फ लिया है, और अकेस में क्या कर दिया, सिर्फ 1 लिया है, और 18 में सिर्फ क्या कर दिया, 8 लिया है। तो 6518 हो गया। उसी प्रकार से W कितने नंबर में आता है, W आता है आपका 23 नंबर में, और
आई आता है 9 नंबर में और एन आता है आपका 14 नंबर में और डी आता है आपका 4 नंबर में। अब देखिए 23 में डबल संख्या है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या लेंगे 3। उसके बाद आई में देखिए आई का कोड 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद एन का कोड 14 है तो सिर्फ हम 4 लेंगे। उसके बाद डी का कोड 4 है तो यहाँ 4 आएगा। तो देखिए डब्ल्यू आई एन डी का कोड क्या हो गया 39 44। देखिए यहाँ बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।